لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فرجنا بهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فرجنا بهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أوصيكم بتقوى الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فرجنا بهم कनीज़ा ने अबन ज़हरा अज़ादारा ने अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुदावंदे आलम का एहसान है कि जिसने हम सबको ये तौफीक इनायत की कि हम आज सब मिलकर कायनात के बाप मौलाए मुत्तकियान का पुरसा वक्त के इमाम को दे सके ये छोटी सी मजलिस मुनक्कद करके आज पूरी दुनिया में इस रात को मौला अली अलैहिस्सलाम का मातम मनाया जा रहा है। ये वो आखिरी रात है कि इसके बाद मेरा मौला ये दुनिया में न रहेगा। आज की रात वो रात है, अजीम रात कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास उसके अजीज़ उसे अकरबा उसके चाहने वाले कूफे के लोग बार बार इमाम को मिलने आ रहे थे, इमाम से आखिरी इमाम का दीदार करने आ रहे थे। अज़ादारों, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में एक वसीयत फरमाई थी अपने बेटे इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, जिसे नहजुल बलागा में लेटर नंबर 47 में तहरीर करने में आया है। उस जो लेटर वो वसीयत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, इमाम अली अलैहिस्सलाम वो वसीयत में क्या फरमाते हैं उसका सिर्फ एक जुमला इंशाअल्लाह हम आज की मजलिस में देखेंगे। अज़ादारो अजीज़ो, कोई आम इंसान, अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमारा कोई अज़ीज़ भी जब मर रहा होता है और जब वो कोई वसीयत करता है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं कोशिश करते हैं कि उस वसीयत पर अमल करें, और वो रिश्तेदार जान रहे होते हैं कि जब वो मरने वाला आखिरी वक्त में कुछ कह रहा है तो जाहिर है कि वो इम्पॉर्टेंट बात ही कर रहा होगा। हर इंसान जब मर रहा होता है उसे खुद को पता है कि मेरा पास वक्त कम है तो वही बात कहेगा जो सबसे ज़्यादा मुहिम होगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जो कायनात के इमाम है, उन्होंने जब अपनी वसीयत की होगी तो सबसे जो ज़रूरी होगा इमाम ने वही फरमाया होगा। इमाम अलैहिस्सलाम जब अपनी वसीयत फरमाते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, तो इमाम ने कहा था कि ये वसीयत जो है हर कोई के लिए है कि जिस जो हक का जो हक के तलाश में हो उस हर कोई के लिए ये मेरी वसीयत उन्हें पहुँचा दीजिएगा। यानी फ़कत ये वसीयत अपने बेटों या अपने रिश्तेदार के लिए नहीं थी बल्कि हर इमाम के चाहने वाले के लिए ये वसीयत थी, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उसी कुम बितकवल्ला है, मैं तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूँ। पहली चीज़ जिसकी इमाम ने वसीयत की थी वो थी तकवा। अजीज़ो, ये तकवा का इम्पोर्टेंस क्या है कि इमाम ने जब वसीयत की तो सबसे पहली चीज़ की तो वो तकवा थी।
ये तकवा का इम्पोर्टेंस जानना हो तो सबसे पहले एक हदीस से हम इस तकवे को जानने की कोशिश करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम फरजना बिहिम। आप फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां तहामा के पहाड़ जितनी होगी, इतनी बुलंद होगी, लेकिन फिर भी उसे जहन्नम में भेजा जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तब जब रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई, ये कहा, तो कुछ लोगों ने पूछा कि या नबी अल्लाह, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे? आपने फरमाया कि हाँ वो नमाज पढ़ते होंगे, वो नमाजी होंगे। किसी ने कहा तो क्या वो रोजे रखते नहीं होंगे? रसूल अल्लाह ने कहा कि हाँ रोजे रखते होंगे, रात को एक हिस्सा इबादत में गुजारते होंगे, लेकिन फिर भी जो है उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। क्यों रसूल अल्लाह, क्यों नबी अल्लाह? नबी फरमाते हैं कि इसलिए कि जब उनके सामने कोई ऐसी चीज पेश करने में आती, लज्जत हासिल करने वाली कोई चीज जब उनके सामने लाई जाती, तो वो उस तरफ इस तरह से भागते, वो उसकी तरफ इस तरह से भागते बिना सोचे कि आया वो हलाल है या हराम है, चाहे वो हलाल हो हराम हो उसकी तरफ भागते। इस वजह से उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, बाकी सारी नेकियों के बावजूद उसे जहन्नम में डाला जाएगा। यानी कि नेकी के साथ अगर तकवा ना हो तो वो नेकिया इंसान को फायदा नहीं पहुंचाएगी। अजीजो, ये तकवा क्या है? तकवा जो है वो वर्ड आया है वकया पर से, वाव काफ़िये। वकया यानी कि टू सेफ गार्ड, अपने आप को बचाना, अपने आप को महफूज करने को तकवा कहा जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यारे अंदाज में तकवा को समझाया है। एक मरतबा जब मौला अली अलैहिस्सलाम कूफे में थे, एक शख्स एक बद्दू अरब इमाम के पास आता है और इमाम से कहता है कि मौला मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मुझे आप समझाइए कि तकवा यानी क्या। अब इमाम देखो कितने प्यारे अंदाज में इमाम जो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। इमाम ने कहा कि अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और इस रास्ते के दोनों तरफ कांटे 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 झाड़ियां है, कांटे वाली झाड़ियां है, जो झाड़ियां की जिसमें कांटे लगे होते हैं वैसी झाड़ियां है, और सामने से तेज हवा आ रही है, मुझे बता ए अरब तू किस तरह से इस रास्ते पर चलेगा? अब वो शख्स कहता है, वो अरब कहता है, वो बद्दू कहता है कि मौला मैं अपने लिबास को समेट कर बहुत ही ख्याल से चलूंगा। मौला ने कहा कि अगर कोई कांटा तेरे लिबास में लग जाए तो तू क्या करेगा? अगर कोई कांटा तुझे लग जाए, वो कहता है कि बहुत ही संभल कर मैं उस कांटे को निकालूंगा, वरना वो कांटा जो है मेरे या तो लिबास को जो है वो फाड़ देगा, नुकसान कर देगा। अब मौला कहते कि बस समझ ले, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना वो दुनिया है, और जो ये कांटे वाली जो झाड़ियां है ना वो गुनाह है, और जो सामने से तेजी से जो हवा आ रही है ना, जो हवा आ रही है वो एक्चुअल में शैतान है, तो तुम्हें इन तीनों से अपने आप को बचाना है, और इस बचाने को तकवा कहा जाता है, इसे तकवा कहा जाता है। अजीजो, इमाम ने किस प्यारे अंदाज में समझा दिया कि तकवा क्या है, यानी कि अगर इंसान समझे, अगर इंसान गौर व फिक्र करे कि खुदावंदे आलम ने हमें जो चीजें दी है उसे महफूज रखना है गुनाहों से, आंख होने के बावजूद उससे हराम से बचाना है, जबान को जो है उसे बचाना है चुगलखोरी से, गीबत से, ऐब जोई से, ताकत और कुवत होने के बावजूद जुल्म करने से बचाना है, तवानाई होने के बावजूद जो है ना इंसाफी करने से बचाना है, यानी कि इंसान के पास गुनाह की सलाहियत होने के बावजूद इंसान को अपने आप को गुनाहों से बचाना है, इसे ही तो तकवा कहते हैं। अब ये तकवा वर्ड जो है, कितनी बार इंसान इस तकवे के वर्ड से ही परेशान हो जाता है कि कितना डिफिकल्ट है तकवा, तो ये तो कितना बड़ा चीज़ है, कि तो कितनी बड़ी चीज़ है, ये तो रिस्ट्रिक्शन है गोया,
हमें जो है कैद कर दिया गया है इस वर्ड ने। तो तकवा रिस्ट्रिक्शन का नाम नहीं है, तकवा जिसे हमने आगे कहा तकवा हिफाजत का नाम है। मिसाल के तौर पर अगर हम घर बनाते हैं, उस घर में दीवार है, उस घर में छत है, उस घर में दरवाजे है, खिड़की है, क्या कभी हम कहेंगे कि ये घर जो है इसने मुझे कैद कर दिया है? नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि नहीं, ये घर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये घर हमें बचाता है। इसी तरह जब ठंडी का मौसम आता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, क्या कभी हम कहते कि इस गर्म कपड़े ने हमें जो है बांध कर रख दिया है, हमें जो है रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है? नहीं, हम कहते कि नहीं, इस गर्म कपड़ों से हम अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, हम अपने आप को ठंडी से महफूज कर रहे हैं। तो बस इसी तरह तकवा जो है वो इंसान को महफूज करता है शैतान के शर से। यही तकवा की डेफिनेशन है कि तकवा इंसान को प्रोटेक्ट करने का नाम है। तो हमने तकवा की अहमियत समझी, तकवा क्या है ये जाना। अब गोया हमें अगर चेक करना है कि हमें तकवा आया है या नहीं, आया हम मुत्तकी है या नहीं, मुत्तकीन की फहरिस्त में हमारा नाम है या नहीं, तो किस तरह से चेक करें? इसके लिए भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, निशानियां बताई है, काफी सारी हदीसें मिलेंगी जो हमें ये बताती है कि अहले तकवा किसे कहा जाता है। जैसे कि हम एक हदीस यहां पर देखें, हदीस उसी इमाम की है, मौलाए मुत्तकियान हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम फरजना बिहिम। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुत्तकीन की कुछ निशानियां हैं, जिसमें से पहली निशानी इमाम फरमाते हैं कि ये निशानी है वो जो उसे अलग जो है अलग दिखाते हैं, अलग उसे जो है बताते हैं कि ये मुत्तकीन में से है। पहली चीज जो मुत्तकीन में पाई जाती है वो है कि उसकी बात में सच्चाई होती है, वो हक परस्त होता है, उसकी बात में सच्चाई होती है। कभी ऐसा नहीं कि कभी ये बात तो कभी वो बात, कभी इधर तो कभी उधर, उसकी बात में हक देखने मिलेगा, वो हक परस्त होगा, बातिल परस्त नहीं होगा। ये पहली क्वालिटी है जो एक मुत्तकीन इंसान में देखने में पाई जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं इसके लिए, और ऐसे एग्जांपल्स जो औरतों में पाए गए हो कि जिन्होंने जो है कोई खौफ, बिना खौफ के हक का साथ दिया था, जो है सच्चाई का साथ दिया था। उम्मे ऐमन, जनाबे उम्मे ऐमन ये औरत है कि जिन्होंने जब रसूलुल्लाह के बड़े बड़े सहाबियों ने अहले बैत का साथ नहीं दिया था, उस वक्त जनाबे उम्मे ऐमन थी जिन्होंने आकर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का साथ दिया था, गवाही दी थी कि मैं गवाही देती हूं कि फदक रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमा को दिया था, हक का साथ दिया था। इसी तरह से एक और बीवी का जिक्र आपके सामने करना चाहती हूं कि जिसने हक का साथ दिया था, जिसका नाम है दारमियाए हुजून। माविया का जब जमाना था खिलाफत का, माविया एक मरतबा हज पर जाता है, हज पर आता है तो वो पूछता है कि भाई फला जो दारमिया थी वो जो है मैं उससे मिलना चाहता हूं, क्या वो जिंदा है? लोगों ने कहा कि हाँ। अब जहां मुआविया ठहरा होता है, दारमिया हुजून को बुलाता है मिलने के लिए। जब दारमिया जो है वो आती है तो तब जो है मुआविया उससे सवाल करता है कि मुझे ये बता कि तू जो है वो अली से मोहब्बत और मुझसे दुश्मनी क्यों रखती है? काफी सारे बातें हुई इन दोनों के बीच, लेकिन ये एक सवाल मुआविया दारमिया से पूछता है कि मुझे ये बता कि तू मुझसे जो है दुश्मनी और अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करती है? तब दारमिया कहती कि अगर मैं बयान करूं तो क्या तू जो मुझे मेरी जान बख्शेगा, क्या तू मुझे अमान देगा? मुआविया कहता है कि मैं हरगिज़ तुझे माफ नहीं करूंगा, और तुझे इसलिए तो मैंने बुलाया है यहां पर। अब दारमिया फिर भी डरती नहीं है, हक बयान करती है। दारमिया कहती है कि हकीकत यह है कि अली अलैहिस्सलाम जो है वो उनके अदल और इंसाफ कायम करने की वजह से मैं उन्हें दोस्त रखती हूं। अली अलैहिस्सलाम जैसा आदिल परस्त
उसकी वजह से मैं उनसे चाहती हूं, उसे दोस्त रखती हूं, और तुझे मैं इसलिए दुश्मनी रखती हूं, तुझसे इसलिए दुश्मनी रखती हूं कि तूने उसके साथ जंग की जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलीफा बनाया था, तूने उसके साथ जो है जंग की, जो कमजोरों के तरफदार थे, जो कमजोरों पर रहमदिली करते थे, जो दीनदार लोगों से मोहब्बत करते थे, तूने उसके साथ जंग की और तूने मुसलमानों के बीच इख्तलाफ पैदा किया। अब जब ये दारमिया का जवाब मुआविया सुनता है तो मुआविया जो है वो दारमिया की बेअदबी करता है। फिर मुआविया आगे जो है दारमिया को पूछता है कि क्या तूने अली को देखा था? दारमिया कहती कि हाँ। मुआविया पूछता है कि तूने अली को कैसा पाया? तब दारमिया कहती है कि आप यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो दुनियावी हुकूमत माले दुनिया पर कभी मगरूर नहीं थे, कभी गुरूर नहीं किया है उसने, अपनी जो है दुनिया की हुकूमत पर कभी मगरूर नहीं किया, कभी गुरूर नहीं किया है। मुआविया कहता है कि क्या तूने कभी उनकी बातें सुनी है? तब दारमिया कहती है कि हाँ। तब वो पूछता है कि उसे कैसी महसूस की तूने, उसे कैसे पाया? तब वो दारमिया कहती है कि वो बिल्कुल उनकी बातें ऐसी थी जैसे जैतून का तेल जर्फ को निखार देता है, जर्फ में चमक ले आता है, उसी तरह मौला अली की बातें दिलों को साफ व रोशन कर देती थी। सुभान अल्लाह। मुआविया खुद कहता है कि हाँ सही कहा, दुश्मन था लेकिन इकरार करता है कि हाँ सही कहा। फिर मुआविया के पूछता है कि दारमिया क्या तेरी कोई हाजत है, क्या तू कोई हाजत रखती है? दारमिया कहती है कि बयान करूंगी तो क्या तू अता करेगा? मुआविया कहता है कि हाँ अता करूंगा, बोल। तब दारमिया कहती है कि अच्छा, मुझे 100 ऊंटों की कतार चाहिए चरवाहे के साथ। क्या मांगती है दारमिया? कि 100 ऊंटों की कतार, मुझे 100 ऊंट चाहिए उसके चरवाहे के साथ। मुआविया पूछता है कि इतने सारे ऊंटों का करेगी क्या तू? तब वो कहती है कि उसके दूध से मैं छोटे छोटे बच्चे जो मेरे कबीले के बच्चों हैं उसको मैं उस दूध जो है उसे सैराब करूंगी, लोगों की मदद करूंगी, उसे नेक काम का अंजाम दूंगी, लोगों की मदद करने में उसे इस्तेमाल करूंगी। मुआविया तब एक सवाल करता है, मुआविया कहता है कि अगर मैं तुझे ये ऊंट दे दूं क्या तू अली के बजाय मुझसे मोहब्बत करने लगेगी? क्या अली के बजाय मुझे चाहने लगेगी? तब दारमिया कहती है कि सुभान अल्लाह, तुझे किस तरह से चाह सकूं मैं? तू तो कोई भी लिहाज से अली की बराबरी पे नहीं है, तुझे कैसे चाहूं मैं? तब मुआविया कहता है कि मैं तो तुझे 100 ऊंट देने पर राजी हो गया हूं, अगर अली होते तो अली तुझे हरगिज 100 ऊंट ना देते, अली हरगिज 100 ऊंट ना देते। तब दारमिया कहती है, देखो हक परस्त दारमिया कहती है कि खुदा की कसम, बैतुल माल होता, अगर मुसलमान का माल होता तो 100 ऊंट की बात क्या, 1 ऊंट का बाल भी अली न देते। इस तरह से दारमिया जो है मुआविया के सामने हक बात बयान करती है, हक बयान करती, हक बोलती है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो पहली सिफत बयान की तकवा की, साहिब तकवा की, वो क्या है कि उसकी बात में सच्चाई देखने मिलती है। दूसरी चीज जो एक साहिब तकवा में देखने मिलती है वो है कि वो अमानतदार होता है, उसके कामों में वो अमानतदारी रखता है। अब देखिए कि ये सिफत भी अगर हम देखेंगे तो मौलाए मुत्तकियान, जो मुत्तकियों के मौला है, उसमें हमें देखने मिलेंगी सबसे ज़्यादा कि रसूलल्लाह ने जिसे अपना अमीन बनाया था, जब रसूलल्लाह हिजरत करके जा रहे थे, मौला अली तो मक्के में थे, उसे तो सारी अमानत सौंपी थी रसूलल्लाह ने, तो जो रसूल का अमीन बने उसे मौलाए मुत्तकियान कहते हैं। तो दूसरी क्वालिटी कि जो अमानतदार होता है। तीसरी चीज, वादों में वफादारी करता है। सुभान अल्लाह, ये भी चीज हमें इमाम से ही सीखने मिलेगी किस तरह से वफादारी की है मौला ने, कि
رسول اللہ جو وصیت کر کے گئے تھے علی سے کہ علی تم صبر کرنا, تمہارے گھر پر حملہ ہوگا, تمہاری ناموس پر حملہ ہوگا, لیکن اگر تمہیں ساتھیوں کی کمی ہو علی تم خاموش رہنا, علی تم صبر کرنا. اور وہ علی علیہ السلام کا جو صبر ہے, سلام ہے آقا پر, جو صبر آپ نے اختیار کیا تھا, امام علی خود نے تو بتایا تھا کہ اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو میں ہرگز جو ہے تجھے چھوڑتا نہیں, ظالم کو امام نے کہا تھا, امام نے. تو یہ مولا علی تھے جو وعدے میں وفاداری کرتے تھے, یہ تھرڈ کوالٹی صاحب تقویٰ کی, وعدوں میں وفاداری. چوتھی چیز, تکبر نہیں کرتا. یہ بھی امام سے سیکھنے ملتا ہے کہ علی, وہ علی جو صاحب علم, صاحب تقویٰ, شجاعت, ہر چیز جو مولا کے پاس تھی, لیکن کبھی امام نے غرور نہیں کیا, کوئی چیز کا غرور امام نے نہیں کیا. یہ امام, آگے امام پانچویں چیز کہتے ہیں کہ صاحب تقویٰ کنجوس نہیں ہوتا. یہ بھی چیز امام نے بتا دی کہ امام کیسے سخی تھے, کیسے سخی تھے, بہت ہی جلدی جلدی, کہ جب خیبر کا جو ہے جب خیبر فتح امام کر جب امام لوٹ رہے تھے خیبر کو فتح کر, امام کے ساتھ اونٹوں کی قطار تھی, کمبر اونٹوں کی قطار کو لیے چل رہے تھے. ایک فقیر امام کے پاس آ کر کہتا ہے, مولا بھوکا ہو, مولا کچھ کھانے کو دے دیجئے. مولا کہتے ہیں, کمبر اسے کچھ کھانے کو عطا کرو. اب کمبر سوچ رہے ہیں, کھانا تو جو ہے وہ اونٹوں پر جو الماریاں ہے, اونٹوں پر جو باکسز رکھے ہوئے ہیں, الماریاں رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر کھانا ہے, اب میں کھانا کیسے دوں؟ امام سے کہتے کہ مولا کھانا تو جو ہے وہ جو اونٹوں پر جو الماریاں رکھی, جو اونٹوں پر جو باکس رکھے ہیں اس کے اندر کھانا ہے. امام کہتے ٹھیک ہے, تو وہ باکسز دے دو, وہ باکس دے دو نکال کر. اب کمبر جو ہے دیکھتے ہیں پھر سے کہ جو باکس ہے وہ تو اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں. امام سے پھر آ کر کہتے کہ مولا میں کیسے کھانا دوں, وہ تو جو باکس جو ہے وہ تو اونٹ پر پڑا ہے, وہ تو اونٹ پر لگا ہوا ہے. اب امام کہتے ٹھیک ہے اونٹ دے دو. اب کمبر جو دیکھتے ہیں کہ کون سے اونٹ میں ہوگا, کون سے باکس میں, کون سے اونٹ پر کھانا ہوگا, مولا اتنے سارے اونٹ ہے, کون سے باکس میں, کون سے اونٹ پر کھانا ہوگا. امام کہتے ہیں اونٹوں کی قطار دے دو. اب فوراً جو ہے کمبر جو اونٹوں کی قطار جو ہاتھ میں جو رسی تھامی تھی نا, فوراً وہ اس غریب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ فقیر کہتا ہے کہ اب تک جتنی بار مولا نے تمہیں حکم کیا تم مولا کو پوچھتے تھے کہ باکس, تو وہ باکس کے اندر روٹی ہے, باکس تو کہ وہ اونٹ پر ہے, اونٹ تو اونٹوں کی قطار ہے, لیکن جیسا مولا نے کہا کہ اونٹوں کی قطار دے دو, فوراً دے دی, پوچھنے نہ گئے کہ مولا اونٹوں کی قطار میرے ہاتھ میں ہے. کمبر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کہتا مولا اونٹوں کی قطار کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہے, شاید مولا کہہ دیتے کمبر تم بھی چلے جاؤ تو میں ہرگز میرے مولا کے بغیر رہ نہ پاتا. یہ علی کی سخاوت ہے کہ جنہوں نے اونٹوں کی قطار ایک فقیر کو دے دی. عزیزو, تو امام کہتے ہیں کہ صاحب تقویٰ کبھی کنجوس نہیں ہوتا. چھٹی چیز, وہ صلہ رحم کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے. ساتویں چیز, کمزوروں پر مہربانی کرتا ہے. یہ بھی چیز امام نے سکھائی ہے. کیسے امام مہربان تھے, کیسے مہربان تھے امام, کہ یتیموں پر, زیادہ تر بیواؤں پر جو شفقت امام نے کی ہے. امام کہتے ہیں کہ صاحب تقویٰ کمزور پر مہربانی کرتا ہے. آٹھویں چیز, عورتوں کے ساتھ کم میل جول رکھتا ہے. نویں چیز, نیکیوں کو پھیلاتا ہے. کوشش کرے انسان کہ نیکیوں کو پھیلائے, کس طرح سے بھی, جیسے ہم چاہے کوشش کرے کہ ہم نیکیوں کو پھیلائے. آج جتنا آج ٹیکنالوجی ہمارے پاس اتنی ساری ہے, ایک میسج, ایک حدیث ہم جو ہے نکالے کتاب میں سے, محنت کر کے ڈھونڈ کر اگر اسے پوسٹ کر دے, کتنا اجر و ثواب ملے گا, کس طرح سے نیکی پھیلا سکتے. کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم نیکی پھیلائیں. آج جب جوکس اور فضول کے میسیجز ہم آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں, کوشش کریں کہ ایسی ایسی چیزیں, امپورٹنٹ چیزوں میں اپنا وقت جو ہے استعمال کریں, اور نیکیوں کو پھیلانے میں اپنا کام کریں.
दसवीं चीज अच्छे अखलाक, जो अच्छे अखलाक साहिब तकवा होता है उस पे पास अच्छे अखलाक होते हैं। और ग्यारहवीं चीज इमाम कहते हैं कि वो ऐसी चीजों की तरफ जो है वो मुतवज्जे होता है कि जो इंसान को खुदा से नजदीक करे, जो खुदा से नजदीक करे ऐसे कामों में वो मुतवज्जे रहता है, ऐसे कामों में वो अंजाम दिया करता है। और फिर आखिर में इमाम कहते हैं कि कितना खुशनसीब है जो कि जो ये जो 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 लोग जो है वो ये हासिल कर सके। तो हमें कोशिश करनी है कि ये आदतें, ये सिफतें अपने अंदर लाए ताकि हम साहिब तकवा की फहरिस्त में आ सके। अजीजो, यस, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात शबे कद्र है, आज की रात मांगे खुसूसन के परवरदिगारा हमें तकवा अता कर, हमें साहिब तकवा में से बना परवरदिगारा। और जब हम मांगेंगे, हम जब मजलिस के बाद हम जब अमल करेंगे, हम अहले बैत का वास्ता देकर अमल करेंगे, तो बेशक 14 के 14 जो है उसके वास्ते से मांगी दुआ कबूल होती है। लेकिन इन 14 में से भी कुछ खास है कि जिनका वास्ता खुद रसूलल्लाह ने दिया था, यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते से खुसूसन मांगे, उनका जो मर्तबा है, उनकी जो उनके वास्ते से दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। इराक का एक वजीर था, एक मिनिस्टर था, शिया नहीं था। अब उसका एक उसकी एक औलाद थी, उसका एक बच्चा था बीमार, इंतहाई बीमार, शदीद बीमार हो चुका था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, अब इस पर जो है आप ज़्यादा इस पर जो है मेहनत ना कीजिए, इसे घर ले जाइए और इसकी घर पर तीमारदारी करें, और जो है उसके कुछ उसका जो है जैसे उसका इंतकाल होना होगा वो हो जाएगा, यानी इसकी कोई दवाई नहीं है। अब ये जो है वजीर मिनिस्टर, एक ही औलाद परेशान क्या करे, किसी ने आकर उससे कहा कि तुम जो है अल्लामा अब्दुल्ला हुसैन अमीनी, अल्लामा अमीनी अलैह रहमा जी जो साहिब गदीर है, तुम जो है उसे क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो जो है अल्लामा अमीनी जो है वो हमेशा मौला अली का दम भरते रहते हैं, हमेशा बहुत दम भरते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का, और जो है यानी मौला अली से किसी को बर्तर ही नहीं समझते, जिसने विलायत की किताब उस पर लिखी है, तो जो है तुम उसे कहो कि वो जो है मौला अली अलैहिस्सलाम से कहे कि तुम्हारे बेटे को शफा दे। अब ये वजीर, ये जो मिनिस्टर था, उसने एक खत लिखा किसे, अल्लामा अमीनी को, और पूरा वाकया बयान किया कि मेरा बच्चा जो है बीमार है और आप जो है मौला अली से कहिए कि मेरे बच्चे को शिफा दे दे। अब जो है एक इंसान, एक शख्स के साथ वो खत जो है अल्लामा अमीनी को ये मिनिस्टर भेजता है। अब जब अल्लामा अमीनी अलैह रहमा के पास वो खत आता है, अल्लामा अमीनी जो है फौरन आपने वो खत पढ़ा और फौरन उस खत के पीछे ही जवाब लिख दिया। क्या जवाब लिखा अल्लामा अमीनी अलैह रहमा ने लिखा कि खुदा की बरकत से, अमीरुल मोमिनीन अलैह इस्लाम की वजह से तेरे बेटे को, तेरी औलाद को शिफा मिल गई है, मौला अली अलैह इस्लाम ने तेरे औलाद को शिफा दे दी है। ये खत में लिखा और लेटर लौटा दिया, उस शख्स को कहा कि ये लेटर ले जाओ। यहां जो है यानी सोचे हम, अल्लामा अमीनी ने ये नहीं लिखा कि खुदा शिफा दे देगा, क्या लिखा, खुदा ने शिफा दे दी मौला अली की बरकत से। अब ये यहां से खत लेकर निकला, जैसा वो निकला अल्लामा अमीनी अलैह रहमा मौला अली के हरम जाने निकलते हैं, परवरदिगारा परवरदिगारा, दिल तड़प रहे हैं नजफ अशरफ मौला के हरम को जाने के लिए, परवरदिगारा जल्द से जल्द रास्ते फराहम कर ताकि हर कोई जहां जहां ये आवाज पहुंच रही है, हर शिया के दिल तड़प रहे हैं अली की जियारत के लिए, परवरदिगारा हम सबको मौला का हरम की जियारत जल्द से जल्द नसीब फरमा। अल्लामा अमीनी अलैह रहमा फौरन निकलते हैं मौला अली के हरम के लिए, ज़रीए मुकद्दस के पास जाते हैं और एक जुमला कहते हैं, फकत कहते हैं कि मौला
एक हवाला भेजा है, एक हवाला भेज दिया है, अब आप मौला मेरी इज्जत रख लीजिएगा। बस ये खुलासा ये है कि आप मेरी इज्जत रख दीजिएगा, आपका हवाला दिया है, बस इज्जत रख लीजिएगा। बस इतना अल्लामा अमीनी कहते हैं। अब वो खत लेकर जब वो शख्स घर पर पहुंचता है, उस वजीर को, उस मिनिस्टर को वो खत मिलता है, जैसा खत पढ़ता है फौरन भागता हुआ अंदर की कमरे में गया जहां उसका बीमार बच्चा कितने दिनों से वो बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ था, मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जैसे दरवाजा खोलता है क्या देखता है, उसका बच्चा सही व सालिम हशाश व बशाश बैठा हुआ था। अजीजो मौला अली का वास्ता दे आज की रात, खुसूसन जो जो बीमार है, खुसूसन ये वबा की बीमारी में जो मुब्तला है, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस करीब इमाम का। परवरदिगारा तमाम शिया ने अली, तमाम मोमिन मोमिन और तमाम तेरे बंदों को हिफ्ज़ो अमान अता कर दे, इस बीमारी से इस वबा को नीस्तो नाबूद फरमा दे। आजादारो आज की रात हमें हमारे वक्त के इमाम को पुरसा देना है अपने जद का। आज की रात इमाम हसन हुसैन को पुरसा देने की रात है, बीबी ज़ैनब व कुलसूम को पुरसा देने की रात है। आज की रात वो है कि फकत ज़ैनब व कुलसूम यतीम नहीं होंगे, बल्कि उम्मत का एक एक फर्द यतीम होने वाला है। अस्मक बिन नुबाहता बयान करते हैं कि जब मैं आखिरी रात मौला को मिलने गया, मौला के सरहाने पर एक जर्द रंग की पट्टी बंधी हुई थी। जब अस्मक मौला को देखते हैं, अस्मक जारों का तहर रोने लगते हैं, मौला की आंखें खुलती है, मौला कहते हैं अस्मक क्यों गिरिया कर रहे हो, अभी तुम्हारा मौला जिंदा है। अस्मक कहते हैं मौला आपके सर पर जो पिट्टी बंधी हुई है जर्द रंग की, मौला पता नहीं चलता आपके चेहरे का रंग ज्यादा जर्द है या वो पट्टी का रंग। हाय मेरे मौला कितने कमजोर हो चुके थे, वो जहर का असर था। इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह खुद कहता था कि जो मैंने तलवार से वार किया था 40 दिन तक उसे जहर में बुझाया गया था। 40 दिन तक, हाय मेरा करीम इमाम। जब इमाम के सामने इब्ने मुलजिम को लाया गया, इमाम ने इब्ने मुलजिम से कहा था, ए इब्ने मुलजिम बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था। इब्ने मुलजिम कहता है हाँ आप तो बहुत अच्छे थे। इमाम ने देखा कि इब्ने मुलजिम की आंखों में खौफ था, इब्ने मुलजिम डर डर के बात कर रहा था। हाय मेरा करीम इमाम कहते हैं, इमाम कहता है हसन, हसन देखो इब्ने मुलजिम को खौफ है, इब्ने मुलजिम डर रहा है। अरे उसकी रस्सियों से उसे तकलीफ हो रही है, उसकी रस्सियों को खोल दो। ऐ अली अपने कातिल की रस्सियों की इतनी परवाह कि उसके रस्सियों की अजियत आप बर्दाश्त न कर सके। हाँ यही कूफा होगा कि जहां आपकी बेटियों को एक रस्सी में बांध कर कूफा और शाम तक ले जाया जाएगा। अजादारो मेरा मौला मेरा इमाम जब अपना आखिरी वक्त होता है, तमाम अपने बच्चों को जमा करते हैं इमाम, इमाम वसीयत करते हैं, तमाम बच्चों के हाथ इमाम हसन के हाथ में दे दिए, इमाम के सुपुर्द किए, अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दे दिया, अब्बास तुम्हारे हवाले। उसके बाद आखिर में मौला अली इमाम हुसैन को करीब बुलाकर कानों में कुछ कहा,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। बाद में कितनी मरतबा ज़ैनब ने पूछा होगा, बाबा ने आपसे क्या वसीयत की थी, बाबा ने आपसे क्या कहा था, लेकिन इमाम ने कभी कुछ न कहा। वो राज कब खुला? वो राज आशूर के दिन खुला। हाय, जब मेरा इमाम अब आखिरी रुख्सत के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल के पास आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब से तब कहा था, ज़ैनब जरा अपने चादर, जरा अपने शानों से चादर को तो हटाना। अब जब ज़ैनब ने अपने शानों से चादर को हटाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब के शानों का बोसा दिया। ज़ैनब ने कहा, ए भैया, ये कौन सा वक्त है, जरा मुझे बताइए कि ये अमल आपने क्यों किया, ये काम क्यों किया। तब इमाम हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब तुम अक्सर पूछा करती थी ना कि बाबा ने आखिरी वक्त क्या तुमसे कहा था, क्या वसीयत की थी। ज़ैनब, बाबा ने आखिरी वक्त मुझसे यही कहा था, हुसैन जब तुम आखिरी मर्तबा ज़ैनब से अलविदा करो, रुख्सत हो मेरे तरफ से, मेरी बेटी ज़ैनब के शानों पर बोसा दे देना। अल्लाह अकबर। बस मेरा इमाम, मेरे इमाम ने आखिरी वसीयत कर ली। अब आखिरी मर्तबा इमाम जो है, इमाम सलाम कर रहे थे, आखिरी वक्त आता है, इमाम ने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जनाब ज़ैनब ये सुनती है, बीबी ज़ैनब कहती है, बाबा बाबा ये क्या कह रहे हो। तब इमाम ने कहा, अरे बेटी ज़ैनब, नाना रसूल आए हैं, नाना रसूल तन्हा नहीं आए, बल्कि तुम्हारी अम्मा ज़हरा भी साथ आई है, तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा भी साथ आई है, अरे चचा हमजा को भी साथ आए हैं। ज़ैनब कहती है, अच्छा क्या कह रहे हैं वो लोग। इमाम कहते हैं, ज़ैनब वो लोग कह रहे हैं कि अली हम तुम्हें लेने आए हैं। बस मेरा इमाम ये सलाम कहकर पानी दुनिया को छोड़ कर चला गया। हम यतीम हो गए, ज़ैनब व कुलसूम व हसनैन अब्बास की यतीम। खुदारा या रब ज़हरा बिहक ज़हरा इश्फ़ सदर ज़हरा बिज़ख़ूर अल-कुंजा, या रब अल-हुसैन बिहक अल-हुसैन इश्फ़ सदर अल-हुसैन बिज़ख़ूर अल-कुंजा। अला लानतुल्लाहि अलल-क़ौमि ज़ालिमीन। परवरदिगारा खुदारा तुझे वास्ता मौला मुत्तकियान अली का, ऐ परवरदिगारा मेरे मौला को यतीमों से बड़ी मोहब्बत थी खुदा। ए मौला हम भी यतीम हैं, हमारे जमाने के इमाम बरसों से दूर है। इमाम आप दुआ करिए कि आपके बेटे के ज़हूर में जल्दी हो। इमाम आप दुआ करें कि आप बेटा, आपका बेटा हमसे राजी हो, खुशनूद हो। इमाम आप दुआ करिए हमारे लिए कि जब हमारे इमाम का सहूर हो, हम हमारी औलाद हमारे रिश्तेदार के साथ, हमारे वालिदैन हमारे शोहर के साथ, इमाम की ताबे फरमाबरदार मुखलिशिया में हमारा शुमार हो सके, इमाम की पहली आवाज पर हम लब्बे कह सके। ऐ परवरदिगारा तुझे वास्ता मौला अली का, इस साल आज जब तू हमारी तकदीर बनाएगा, परवरदिगारा इस साल हमारी तकदीर में हज को लिखना, ज़ियारत इमाम हुसैन को लिखना, मशहद व सामरा व नजफ की शाम की ज़ियारत को लिखना। परवरदिगारा हमें सेहत व तंदुरुस्ती ईमान की दौलत के साथ, हमें हमारे रिश्तेदार हमारे बुजुर्गों हमारे वालिदैन को तूने उम्र जिंदगी अता करना। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत करना, उन्हें जवारे मासूमीन में जगाना।
हिदायत करना। परवरदिगार आज की रात हमारे तमाम गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा नेकियों में तब्दील कर देना। ऐ परवरदिगार, ऐ खुदारा, शियाने अली जहां जहां भी मुसीबत बला रंजो गम में हो, तमाम की मुसीबत बला रंजो गम को दूर फरमा। परवरदिगारा खुदारा तू जानता है जो क्या हमारे लिए बेहतर है। परवरदिगारा जो हमारे लिए बेहतर हो हमें अता करना। ऐ खुदा तू ऐसा है जैसा हम चाहते हैं, हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक नजर मौलाए मुत्तकियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम पर। Allahumma salli ala Muhammad.